हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके सामने लेके आए हैं एक फिजिक्स का नया टॉपिक। और टॉपिक है आज अपना आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक पदार्थ अर्थात द्रव्य हम उसको कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है। पदार्थ या द्रव्य या मैटर, ये सारी बातें एक ही हैं। फिर हम बताते हैं कि पदार्थ जो है हम उसको कहते हैं जो स्थान घेरता है और इसमें मास है, जिसमें द्रव्यमान है। आज तक हम लोगों ने जो देखा है, जो छुआ है, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस किया है, वो सब पदार्थ है, वो सब स्थान घेरता है, उन सभी में द्रव्यमान है। पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है कि साधारण पोजीशन में, अपनी नॉर्मल पोजीशन में पदार्थ आवेश रहित होता है। पदार्थ आवेश रहित है और पदार्थ बना है अणुओं से, तो अणु भी आवेश रहित होते हैं। अणु बने हैं परमाणुओं से, परमाणु भी नॉर्मल पोजीशन में आवेश रहित। लेकिन फिर ये पदार्थ या परमाणु या अणु, ये आवेशित कैसे हो जाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं पदार्थ को, जैसे पदार्थ यानी कि द्रव्य, ये बने होते हैं अणुओं से और अणु बने होते हैं परमाणुओं से, परमाणु से यानी कि परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ। ठीक उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं जैसे एक बड़ी बिल्डिंग कई कमरों से मिलकर बनी होती है और कमरे ईंटों से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से परमाणु से अणु बनता है और अणु से पदार्थ बनता है, अर्थात द्रव्य अर्थात मैटर। डियर स्टूडेंट्स, साधारण पोजीशन में यदि हम कोई भी धातु की छड़ ले लें, कोई भी धातु पकड़ें, तो उससे हमको करंट नहीं लगता है। लेकिन यदि वह आवेशित है, चार्ज है, तो हमको करंट लगता है। आखिर कोई वस्तु आवेशित कैसे हो जाती है? तो हम स्टूडेंट्स आज यही टॉपिक लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको इस क्षेत्र में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पदार्थ, पदार्थ से छोटा अणु, अणु से छोटा परमाणु। डियर स्टूडेंट्स, जो परमाणु होता है वो 10^-10 मीटर कोटि की त्रिज्या का होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है 10^-10 मीटर कोटि का होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम परमाणु। साधारणतया ये हमको नहीं दिखाई देता है, अणु भी हमको नहीं दिखाई देते हैं, पदार्थ हमको दिखाई देता है। ये सूक्ष्म कण हैं। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु का साइज होता है 10^-10 मीटर का। अब बात आती है कि परमाणु में आखिर क्या चीज है जो कि पदार्थ को आवेशित कर देती है? डियर स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन मूल कणों का नाम सुन ही रखा होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल उदासीन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन उदासीन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही सब खेल है इसमें। परमाणु जो 10^-10 मीटर की कोटि का है, इसके अंदर, परमाणु के अंदर एक केंद्रक होता है, एक सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं नाभिक। जो 10^-15 मीटर कोटि का होता है नाभिक, और ये है परमाणु, ये नाभिक। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन होते हैं, और न्यूक्लियॉन का मतलब जो नाभिक के अंदर हैं कण वो। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो धुंधला सा क्षेत्र होता है, जो बदरीला सा क्षेत्र होता है, जिसमें बादल जैसे छाए हुए होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए वो क्षेत्र धुंधला होता है। किसी भी परमाणु के पास साधारण पोजीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे बात यह है कि परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकलते हैं आवेशन की क्रिया में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इनके आवेश का देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है 1.6×10^-19 कूलाम निगेटिव, और जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज होता है 1.6×10^-19 कूलाम पॉजिटिव। मतलब ये कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी है, बस अंतर सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसकी प्रकृति ऋणात्मक है, निगेटिव है। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, परंतु उसकी जो प्रकृति है वो धनात्मक है। मतलब सीधा सा है कि यदि कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का आवेश मिल जाए तो वो चीज़ उदासीन हो जाएगी। साधारण पोजीशन में किसी भी पदार्थ के अंदर जो अणु हैं, अणु के अंदर परमाणु हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर बराबर है तो चूँकि प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर बराबर है, तो पूरे पदार्थ के अंदर धनावेश और ऋण आवेश बराबर बराबर रहता है। ऐसी स्थिति में कोई भी पदार्थ है वो आवेश रहित होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश हम नहीं कहेंगे। ध्यान देने योग्य स्टूडेंट्स एक बात है, यदि हम ये कहें कि कोई वस्तु आवेश रहित है, कोई वस्तु आवेश रहित है, तो इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि उसके अंदर आवेश नहीं है। उसके अंदर आवेश है, धनावेश भी है और ऋण आवेश भी है, बट धनावेश और ऋण आवेश युक्कल है, धनावेश और ऋण आवेश बराबर बराबर है। जब किसी पदार्थ के अंदर धनावेश और ऋण आवेश बराबर बराबर होता है तब ही वो आवेश रहित होती है। जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, इस पर ये धातु साधारण पोजीशन में जब हम इसको टच कर रहे हैं
तो कोई करंट नहीं लग रहा, ये आवेश रहित है। ये आवेश रहित है इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन इसके अंदर धनावेश और ऋण आवेश बराबर बराबर है, इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये आवेश रहित है। अब बात आती है कि आखिर ये आवेश उत्पन्न कैसे हो जाता है, आखिर ये आवेश उत्पन्न कैसे हो जाता है। स्टूडेंट्स एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है और नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, और नाभिक के बाहर ये कक्षा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये नाभिक और ये संपूर्ण व्यवस्था कहलाती है परमाणु। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, आवेशन की क्रिया में कभी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल के बाहर नहीं आते। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के बाहर अपनी निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जरा देखिए कि नाभिक पर कितना आवेश होगा, नाभिक पर जो आवेश होगा, नाभिक पर आवेश, नाभिक पर जो आवेश होगा स्टूडेंट्स वो दो प्रोटोनों का आवेश होगा, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम पॉजिटिव चार्ज। यानी कि नाभिक पर जो आवेश है वो प्लस का 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्योंकि नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। एक बात और, नाभिक सदैव धनात्मक होता है, नाभिक सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अब बात आई प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन हमने बताया ना पॉजिटिव होते हैं, तो नाभिक के अंदर अगर दो प्रोटॉन हैं तो नाभिक पर दो प्रोटॉनों का धनावेश, नाभिक के अंदर तीन प्रोटॉन हैं तो नाभिक पर तीन प्रोटॉनों का धनावेश, नाभिक के अंदर 20 प्रोटॉन हैं तो नाभिक पर 20 प्रोटॉनों का धनावेश। यानी कि नाभिक सदैव धनावेशित होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर धनावेशित कण हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन का सारे प्रोटॉनों का जितना आवेश होता है वो आवेश नाभिक पर माना जाता है। कहना हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि नाभिक सदैव धनात्मक होता है। परमाणु जरूरी नहीं कि आवेशित ही हो, लेकिन नाभिक सदैव धनात्मक होगा। अब जरा इसे देखिए, ये तो नाभिक पे हो गया धनावेश दो प्रोटॉनों का, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम पॉजिटिव। बाहर दो इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश देख लीजिए, दो इलेक्ट्रॉनों का जब ऋण आवेश होगा तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, कैसा, निगेटिव चार्ज। ये भी हो जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम निगेटिव, मतलब सीधा सा है इस परमाणु के नाभिक पर जितना धनावेश है उतना ही नाभिक के बाहर दो इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश है। तो दो इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश नाभिक पर उपस्थित दो प्रोटॉनों के धनावेश को कैंसिल कर देता है, क्योंकि ऋण आवेश धनावेश बराबर है। तो यह परमाणु कैसा हो गया, उदासीन, उदासीन नॉर्मल पोजीशन में। परमाणुओं से मिलके अणु बनते हैं तो अणु भी उदासीन, अणुओं से पदार्थ बनता है इसलिए पदार्थ भी उदासीन,
ये सारी सिचुएशन है नॉर्मल स्थिति में। यदि कोई पदार्थ आवेश रहित है तो इसका मतलब ये है कि उस पर न धनावेश की अधिकता है न ऋण आवेश की अधिकता है, उस पर धनावेश और ऋण आवेश समान मात्रा में है। कभी भी ये सोचने की भूल मत कर देना कि यदि कोई वस्तु आवेश रहित है तो उस पर उसके अंदर आवेश नहीं है। उसके अंदर आवेश है लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में है, तभी उसको कहते हैं कि वह आवेश रहित है। अब डियर स्टूडेंट्स, कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, ये तो हमने बताई नॉर्मल पोजिशन वाली बात। होता क्या है स्टूडेंट्स, परमाणु के केंद्र पर केंद्रक अर्थात नाभिक, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पे धन आवेश है तो नाभिक पे भी धन आवेश। जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही आवेश है तो सारे न्यूट्रॉन वो क्या नाम सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के आवेश के बराबर हो जाता है, लिया जब परमाणु उदासीन। होता क्या है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में चक्कर लगाया, दूसरी वाली में चक्कर लगाते हैं, तीसरी वाली में चक्कर लगाते हैं, चौथी वाले चौथे में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक, ये नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, केमिस्ट्री में से KLMN इस तरीके से भी आप जैसे समझ सकें। नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में तीन तथ्य दिए थे। उन्होंने कहा था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दूसरी बात बताई उन्होंने कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकार के आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश है। इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये दो स्केच हैं, इस पर भी ऋण आवेश हो, इस पर भी ऋण आवेश हो तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस पर धन, इस पर भी धन तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उस हिसाब से प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है और अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। होता क्या है कि नाभिक पर कैसा आवेश है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे है ऋण आवेश। तो ये पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के नजदीक होता है, जो नाभिक के पास वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस कम है, और नाभिक पे है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे है ऋण आवेश, तो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से ये इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है। नाभिक के पास वाली जो पहली कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। नाभिक के पास वाली जो दूसरी कक्षा है वो उसके इलेक्ट्रॉन और दूरी पे हो गए, उन पर नाभिक का कंट्रोल होता है,
नाभिक के आकर्षण बल से वो बंधे तो होते हैं, लेकिन पहली कक्षा की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। अर्थात ये नाभिक से बंधे तो हैं, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं बंधे जो पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। इसी तरीके से तीसरी कक्षा, उसी तरीके से चौथी। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर वाली कक्षा होती, दूर की कक्षा होती चली जाएगी, उस दूर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ अपेक्षाकृत कम मजबूती से जुड़े होते हैं। होता क्या है, एक हम आपको कहानी टाइप की सुनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कोई मिलिट्री पर्सन है, मेजर साहब, और वो सेवानिवृत्त होकर अपने घर पे आए हैं। तो चूंकि उनकी लाइफ अनुशासन में गुजरी है तो घर पर भी अनुशासन जबरदस्त होता है उनके। मान लीजिए उनके चार बेटे हैं, एक बेटा वो है जो उनके घर पे रहता है उनके पास, और वहीं पढ़ाई कर रहा है, घर पे रहता है, स्कूल में जाता पढ़ आता है, कोचिंग चला जाता है, लौट आता है। एक बच्चा दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा है, उससे बड़ा वाला बच्चा और ज़्यादा दूर मुंबई आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है, चौथा वाला जो बच्चा है वो अमेरिका में रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक पर। अब देखिए, जो एक घर पे रह रहा है मेजर साहब का बेटा, वो जबरदस्त अनुशासन में होगा। अगर वो सब्जी भी लेने बाजार जाएगा तो चूंकि पिताजी को पता है कि 10 मिनट लगते हैं, तो ये आधा घंटा कहाँ टाइम लग गया। अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो पिताजी उससे पूछेंगे कि ज़्यादा टाइम क्यों लग गया, यानी कि उसका जाना आना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ अनुशासन में होगा, पिताजी के बंधन में है, पिताजी के अनुशासन में है, पिताजी के कंट्रोल में है। जो दिल्ली पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, वो मान लीजिए पिताजी के पास सैटरडे को आता है, मंडे को चला जाता है, तो उस पर अनुशासन है। लेकिन जो घर पर रह रहा है, जैसे ये पहली कक्षा वाला मान लीजिए ये घर पे है, ये दूसरा वाला मान लीजिए ये दिल्ली में है, तो इस पर अनुशासन तो है लेकिन उतना नहीं जितना इस पर है। तीसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे तीसरा उनका बेटा है मुंबई से आईआईटी कर रहा है, तो वो तो साल में एक दो बार ही आएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है। जब वो घर पे आएगा तो अनुशासन में रहेगा, वहाँ भी अनुशासन में है लेकिन उस पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर है। जो चौथा बेटा अमेरिका में रिसर्च कर रहा है, उससे सिर्फ फोन से वार्ता होगी, वो एक बार गया और रिसर्च पूरी करके ही आएगा। जो चौथा बेटा अमेरिका में है उस पर पिताजी का अनुशासन कम है, पिताजी का कंट्रोल कम है। पता चला अमेरिका वाला चौथा बेटा जो है वो किसी और के आकर्षण में आ गया, उसने वहां पर अपने नए मम्मी पापा ढूंढ लिए। अब क्या होगा, इंडिया में मेजर साहब इंतजार करते रहेंगे और उनका चौथा बेटा जो है जो अमेरिका में रिसर्च कर रहा था वो नए मम्मी पापा ढूंढ लेगा, नए परमाणु के पास चला जाएगा। यानी कि जो बाहरी कक्षा का, सबसे दूर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जरा सा कहीं से घर्षण मिल जाए, जरा सा कहीं पे टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर प्रबल विद्युत क्षेत्र में उसको रख दिया जाए, कहीं से प्रबल विद्युत क्षेत्र मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ जाता है इस परमाणु को, और ये दूसरे परमाणु के पास चला जाता है। मान लीजिए कि जब ये छोड़ के दूसरे परमाणु पे चला गया तो इनके पास तो अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन उतने ही हैं जितने पहले थे। जैसे कि दूसरा एक चित्र बनाते हैं, इसी में काम चलाते हैं, एक पहली कक्षा में दो, दूसरे में एक दो तीन चार पाँच
6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 16, 2, 18 और 1 ये हमने कर दिया चौथी कक्षा में। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 19। और प्रोटॉन कितने हैं? 19। इलेक्ट्रॉन भी 19। जो चौथी कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन है वो चला गया क्योंकि इस पर नाभिक का आकर्षण बल कम था। ये मेजर साहब का चौथा बेटा है जो अमेरिका में रिसर्च कर रहा था, कहीं से आकर्षण मिला और वो छोड़ के चला गया। हालांकि हम आपको बता दें कि ये किसी दूसरे परमाणु से भी अटैच होगा तब भी ये बाहरी कक्षा में ही अटैच होगा, कभी पहली कक्षा में नहीं चला जाएगा। और जब बाहरी कक्षा में अटैच होगा तो वहां से भी अगर कहीं तीसरी जगह आकर्षण मिला तो वहां से भी वो छोड़ के चला जाएगा। जब वो ओरिजिनल पेरेंट्स का नहीं हुआ तो उनका क्या होगा? कुछ सिचुएशन फिर ऐसी आती है कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से पूरे पदार्थ के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हैं, इन्हीं को चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात है कि धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18। और प्रोटॉन कितने हैं? 19 प्रोटॉन हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश 18 प्रोटॉनों के धनावेश को ही तो कैंसिल कर पाएगा। एक प्रोटॉन का धनावेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम पॉजिटिव ये शेष रहेगा, तब ये परमाणु धनावेशित हो जाएगा। और ये पदार्थ जिसका ये परमाणु है उस पर भी एक प्रोटॉन के बराबर धनावेश हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जिस पर चला जाएगा वो ऋणावेशित हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन गया नहीं बल्कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ और गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20। प्रोटॉन कितने हैं? 19। तो 19 प्रोटॉनों का धन आवेश 19 इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश को ही कैंसिल कर पाएगा। तब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इस पे बचेगा और इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित। तब ये परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चले जाए तो वह धनावेशित, और किसी पर यदि इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह ऋणावेशित हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आवेशन की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं,